नीमच सिटी पुलिस ने 17 मई को भगवानपुरा चौराहे के पास गली में निर्माणाधीन मकान से चोरी की गई सुजीत पिता प्रहलाद गोयल की विद्युत मोटर बरामद कर दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में शुक्रवार देर शाम सफलता हासिल की है। पुलिस से प्राप्त जानकारी अनुसार इंदिरानगर निवासी सुजीत गोयल ने थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें उन्होंने 17 मई की रात्रि में ट्यूबवेल से पानी निकालने की मोटर चोरी होने की शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर पुलिस ने मामले की खोजबीन शुरू की और तलाश प्रारंभ की, जिस पर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि दो आरोपी मोटर बेचने की फिराक में घूम रहे हैं, जिस पर पुलिस ने कन्हैया उर्फ कान्हा पिता लक्ष्मण यादव निवासी ग्वालटोली व सोनू उर्फ भूरा पिता रमेश भील निवासी स्पेंटा पेट्रोल पंप के पास जुग्गी बस्ती को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो आरोपियों ने मोटर चोरी करना कबूला, जिस पर सिटी पुलिस टीम ने आरोपी की निशानदेही पर स्पेंटा पंप के पास खड़ी बंगार कार में रखी चोरी कर मोटर को बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा कि आरोपी समय के आदि हैं, जिसके लिए उन्होंने मोटर चुराई थी। आरोपियों से और मामले में भी पूछताछ की जा रही है। आज इंदिरानगर निवासी सुजीत गोयल द्वारा रिपोर्ट की गई थी कि भगवानपुरा चौराहे के पास जो है उनका नवनिर्माण मकान में लगी विद्युत मोटर 17 तारीख को 11:00 चुरा ले गए दिन में। तो उस पर से कायम रीते अपराध क्रमांक 196/20 धारा 379 ITC कायम कर विवेचना प्राप्त हुई थी। विवेचना में हमने सब दूर घूम करके पता लगाया, जिस पर से सूचना मिली कि दो व्यक्ति विद्युत मोटर चोरी की बेचने के फिराक में चर्चा करते फिर रहे। ऐसी जानकारी मिलने पर उनके मुखबिर के मुखिया के बताया अनुसार डाक मुंगे के पास से इन दोनों को पकड़ा और संदेह के आधार पर पूछताछ करने पर इन्हें जरूर स्वीकार करा और विद्युत मोटर चुरा कर स्टैंड ऑफ पुलिया के पास जो गाड़ियाँ पड़ी हुई गाड़ियों में छिपा कर रखी। लॉकडाउन की वजह से कोई बेच नहीं पाए, दोनों इसमें के